अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव्ड में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के रेती बंदर पर और आपको बता दें कि रेती बंदर 1 नंबर से लेकर दत्तूवाड़ी तक विधायक जितेंद्र हवाट के तरफ से बैनर लगाया गया था। दरअसल ये बैनर था 11 नवंबर को उद्धव ठाकरे मुमरा आने वाले हैं, उनके स्वागत में ये बैनर लगाया गया था, लेकिन इस एरिए में ये बैनर जो है रात के समय किसी ने फाड़ दिया। अभी इस वक्त रात के करीब 3 बज रहे हैं और इस बैनर को फटने को लेकर जो है जितेंद्र हवाट ने वीडियो के साथ में इसे ट्वीट किया है और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर रात के समय में ये बैनर कैसे फाड़ा गया और किसने फाड़ा। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पर जो बैनर फाड़ा गया है उसकी भी कुछ अलग तस्वीरें हैं। ये देखेंगे आपकी जो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी लिखा हुआ है, उद्धव ठाकरे की तस्वीर ऊपर थी और ऊपर जो है सोनिया गांधी और इसके अलावा शरद पवार की तस्वीर है और नीचे यहाँ जितेंद्र भाट की तस्वीर थी। इस बैनर को फाड़ा गया, लेकिन नीचे देखेंगे आप उद्धव बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है और ये जो बैनर है ये कहीं ना कहीं जो है जिला प्रमुख सदानंद खरवल और जो है उद्धव गुट के तमाम लोगों ने लगाया। ये बैनर नहीं फटा हुआ है, लेकिन जितेंद्र भाट का जो बैनर लगाया गया है ये जो है कई बैनर फाड़ दिए गए हैं। इसके अलावा अजीत गुट एनसीपी पार्टी का जो है बैनर एक लगाया गया जो दीपावली की शुभकामनाएं दी जा रही है, वो बैनर जो है टूटा हुआ है, हालांकि फटा नहीं है, टूटा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि उस बैनर को किसने तोड़ा या फिर क्या वो हवा की वजह से टूट गया है। ये एनसीपी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष बबलू शेमना यहाँ पर मौजूद है। बबलू भाई क्या बताएंगे, उद्धव ठाकरे आज आने वाले हैं 11 नवंबर को, विधायक जितेंद्र हवाट ने तमाम पोस्टर बैनर उनके स्वागत में लगाए थे और वो पोस्टर बैनर फटा हुआ है। पुलिस पर भी उन्होंने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है, लिखा है हमारे माननीय माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे कल हमारे मुमरा शहर में हमारे एक शाखा, उनकी जो शाखा थी वो शाखा के वो कब्ज़ा लेने के बाद तोड़ी गई। वो शाखा को भेंट देने के लिए कल हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब आ रहे, उसकी वेलकम के लिए हमारे लाडले आमदार, मतलब आज ही मतलब आज ही 11 तारीख आज ही हमारे उनके वेलकम के लिए हमारे लाडले आमदार डॉक्टर जितेंद्र हवाट साहब ने उनके बैनर लगाए गए थे। वो बैनर को नाकाम कोशिश की गई और एक गंदी हरकत है, ये बोलते ना उनकी ये फ्रस्ट्रेशन है जो उम्र की बाहर आ रही है। जो बैनर फाड़े गए उसके बाद दत्तूवाड़ी में भी बैनर को फाड़ के नीचे खींचा गया, इनकी फ्रस्ट्रेशन है कि लोगों में बढ़ता हुआ उनका उनके खिलाफ़ रोष और लोगों के उनके खिलाफ़ बढ़ती हुई नाराज़गी, ये उनको हदबल होने पे मजबूर हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है एक कैसी गंदी सोच है, गंदी हरकत है, ये बैनर फाड़ के उनको क्या मिलने वाला है। बैनर फटने की वजह से जितेंद्र हवाट ने जो ट्वीट किया है उस पर पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। पुलिस प्रशासन ही इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि इसके पहले भी गणपति के वक्त भी, गणपति विसर्जन के वक्त गणपति के भक्तों के लिए हार्दिक स्वागत के जो बोर्ड लगाए गए थे, बैनर लगाए गए थे, उस वक्त भी बैनरों को फाड़ा गया था। उस वक्त कंप्लेंट दर्ज हुई थी, कंप्लेंट दर्ज होने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए इनका ये जो कॉन्फिडेंस है जो बैनर फाड़ने वालों का बढ़ता है। उस वक्त पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती तो इस वक्त ऐसी नौबत नहीं आती। मैं पुलिस प्रशासन से फिर से मांग करता हूँ कि उस पर उचित कार्रवाई की जाए और ये जो इस पर दोषी है उन पर पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करके यहाँ के कैमरे सीसीटीवी कैमरे छे कैमरे पे सीसीटीवी फुटेज निकाल के उस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो इस पर गलत कोई एक्शन होगा तो उसका पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और देखा जा रहा है कि जो बैनर लगा है जो विधायक जितेंद्र हवाट ने लगाया था जी, वही बैनर सब फाड़े गए हैं और नीचे जो
उद्धव गुट के तरफ से लगाए गए थे बैनर वो सही है, वो नहीं फटे नहीं, ये बैनर ये जो नीचे और आपने भी शायद ये जो फटे हैं पोस्टर, ये इसका वीडियो आपने ही बना के विधायक जितेंद्र अवार्ड को भेजा है। नहीं नहीं, तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ नीचे के बैनर सही है, ऊपर के फटे जितेंद्र अवार्ड जो बैनर जो ऊपर के लगे थे ये सुबह ही लगे थे, जो अमदार साहब के जो हमारे लगे हुए बैनर सुबह, ये जो लगे ये बैनर अभी लगे, ये इनकी ऊंची गंदी हरकत है। तो आपने वो वीडियो कितने बजे बनाया? ये बैनर मैंने वीडियो में कम से कम 1:30 to 1:30 बनाया हूँ। अच्छा, तो ये बैनर की और ये वाला बैनर कितने ये अभी कम से 1:45 to 2 वो इस दरमियान में लगा है बैनर, अभी रात में लगा, रात में लगे बैनर ये सब, ये फटने के बाद ये लगा, ये हाँ उसी टाइम लगा बैनर, ये आगे पीछे 5-10 मिनट आगे पीछे होगा उस टाइम बैनर लगा हुआ है। अच्छा, इसके हम कोई किसी ने फोन करके हमारे यहाँ के कार्यकर्ता अविनाश है हमारा यहाँ का वार्ड अध्यक्ष है उनके हमारे कार्य, उन्होंने बताया कि यहाँ वहाँ हमारे बैनर फाड़े, तो ये भी इन लोग हरकत में आके इन लोग ये भी पेट्रोलिंग कर रहे घूम रहे इधर। अच्छा, इसके अलावा एक अजीत पवार गुट का बैनर दीपावली का शुभकामनाएं देते हुए लगाया गया था, जिसमें अजीत बाटा और अजीत पवार, विष्णु भगत, नजीमुल्ला उनके तस्वीर है, हालांकि वो बैनर फटा नहीं है, उसकी जो लकड़ी साइड के वो टूटी है, क्या लग रहा है आपको किसी ने तोड़ा है या? उस बारे में नो कमेंट्स, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं हमारे बैनर के बारे में जो फटा हुआ है उस पर पुलिस प्रशासन से मांग कर, क्या लग रहा है आपके बैनर किसने फाड़ा है, कौन हो सकता अभी है, वजह क्या हो सकती? पुलिस प्रशासन का काम है इसमें कौन दोषी है, सीसीटीवी फुटेज को निकाल के उस पर उचित कार्रवाई की जाए कि ऐसे निकल, वजह क्या होगी क्यों फाड़ा, आखिर क्या ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि उद्धव जी ठाकरे साहब जो तुमने कब्जा किया है शाखा के ऊपर, शाखा 25 साल पुरानी शाखा है, जो माननीय उद्धव जो अपना बाला साहेब ठाकरे आनंद दिघे साहब के जो कार्यकर्ता उस पर बैठ के सामाजिक कार्य के लोगों का करते थे, लोगों को सुविधा पहुंचाने में, लोगों का काम करने के लिए वो शाखा की बनाई गई थी, वो शाखा को तोड़ के शाखा पे कब्जा करने का तो शाखा को तोड़ी गई, ये फ्रस्ट्रेशन है, नाकामी है और सत्ता का दुरुपयोग कैसा किया जाता है ये आपको देखने में मिला है, लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, आपने कंप्लेन किया क्या है इसको लेकर? नहीं, उस पर भी जब हमारे आमदार डॉल अवार्ड साहब ने उस पर जब ट्वीट किया है तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेंगी। तो आपने सुना कि रेती बंदर से लेकर दत्तूबाड़ी तक जो बैनर लगाए गए थे उद्धव ठाकरे के स्वागत में, वो बैनर कहीं ना कहीं फाड़ दिया गया है, हालांकि किसने फाड़ा, क्या वजह रही, क्यों फाड़ा, बहरहाल ये पुलिस जाँच का विषय है, पुलिस इस मामले की तहकीकात करेगी तो आगे खुलासा होगा कि आखिर बैनर किसने फाड़ा है।